गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स बिगिन पार्ट टू ऑफ आवर लेसन नंबर 6, स्मार्ट स्टैनले. तो अब हम हमारे लेसन नंबर 6 स्मार्ट स्टैनले का पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमें ये तो पता चल गया कि जो स्टैनले है वो चोरों को पकड़ने के लिए पेंटिंग बन के म्यूजियम में खड़ा हुआ होता है. अब आगे क्या होता है देखते हैं. एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, मिस्टर डार्ट सेड, शेपर्ड्स आर सपोज टू लुक हैप्पी. दे स्माइल एट देयर शिप एंड एट द स्काई. यू लुक फ्यूर्सी, नॉट हैप्पी स्टैनली. मिस्टर डार्ट जो हैं वो स्टैनले को बोलते हैं कि जो ये पिक्चर में तुमको जो शेपर्ड्स बनाया है वो हमेशा खुश रहती है अपनी शिप को देख करके, पर तुम्हारा चेहरा जो है वो उसमें अभी खुशी नहीं दिख रही है, उसमें थोड़ा सा फ्यूर्सीनेस दिख रही है, मतलब कि थोड़ा सा डर और दुख दिख रहा है. स्टैनले ट्राइड हैड टू गेट अ फार अवे लुक इन हिज आईज एंड इवन टू स्माइल अ बिट. ये बात सुन करके स्टैनले लिटिल बिट स्माइल करने की कोशिश करता है. मिस्टर डार्ट स्टूड बैक अ फ्यू फीट एंड स्टार्टेड एट हिम फॉर अ मोमेंट. वेल, ही सेड, इट मे नॉट बी आर्ट बट आई नो वॉट आई लाइक. मुझे पता है कि ये कोई कला नहीं है, पर हमें ये चोरों को पकड़ने के लिए करना पड़ेगा. He went off to make sure that certain other parts of Stanley's plan were being taken care of. Stanley was left alone. और अब second part इस plan का ऐसा था कि Stanley को वहाँ उस म्यूजियम में अकेले रहना था. It was very dark in the main hall. जो मेन हॉल था वो बहुत ही डार्क था, अंधेरा था. सोचो बच्चों, अगर आप किसी अंधेरे से हॉल में जहाँ बिल्कुल भी अंधेरा हो और वहाँ अकेले हो तो आपको कितना डर लगेगा. पर स्टैनले को डर तो लग रहा था पर इतना नहीं था, क्योंकि वो बहादुर था, थोड़ा लिटिल बिट मोर देन यू. अ लिटिल बिट ऑफ मून लाइट केम थ्रू द विंडो and Stanley could just make out the world's most expensive painting on the opposite wall. बस थोड़ा सा मून लाइट, मतलब कि चंद्रमा की लाइट वहाँ पर आ रही थी उस खिड़की के ज़रिए, और वो स्टैनले जो खुद होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में खड़ा होता है पेंटिंग बन के, जिसके सामने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग जिस दीवार पे लगी होती है उसके बिल्कुल उल्टी साइड में. टाइम पास्ट एंड ही गॉट टायर्ड. धीरे धीरे समय बीतने लगा और स्टैनले थकने लगा. एनी वन वुड बी ट्राइड दिस लेट एट नाइट, एस्पेशली इफ ही हैड टू स्टैंड इन अ पिक्चर फ्रेम बैलेंसिंग ऑन लिटिल स्पाइक्स. और स्टैनले अपने मन में सोचता है कौन ऐसा करना चाहेगा, अपने आप को एक पिक्चर बना के करके पूरी रात बैलेंस करके खड़ा रहना कौन ऐसा चाहेगा. मे बी दे वॉन्ट कम, शायद वो आए और शायद वो नहीं भी आए, पता नहीं क्या होगा. स्टैनले थॉट मे बी द स्नेक थीव वुडेंट कम एट ऑल, शायद वो इस रात नहीं भी आए. द मून वेंट बिहाइंड अ क्लाउड एंड देन द मेन हॉल वॉज पिच डार्क. जो चंद्रमा का प्रकाश था वो आना बंद हो गया, सब जगह बिल्कुल काला अंधेरा छा गया. इट सीम्ड टू गेट क्वाइटर टू विद द डार्कनेस. हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. देर वॉज एब्सोल्यूटली नो साउंड एट ऑल, और कोई भी आवाज़ भी नहीं हो रही थी, प्लिंडर ऑफ साइलेंस था. स्टैनले फेल्ट द हेयर ऑन द बैक ऑफ हिज नेक प्रिकल पैनेथ द गोल्डन कर्ल ऑफ द विंग.
क्रिक, और स्टैनले को ऐसा लगा अचानक से कि उसके पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, या शायद उसके बालों में से ही कुछ आवाज़ आ रही है। द क्रिकिंग साउंड केम फ्रॉम राइट आउट ऑफ इन द मिडल ऑफ द मेन हॉल। अब उसको समझ में आया कि ये जो क्रिकिंग साउंड है, क्रिक ऐसा करके, ये साउंड जो है वो हॉल में जो जगह है उसके मिडिल पार्ट में से आ रही है। इवन हैज़ ही हर्ड इट स्टैनले, सो इन द सेम प्लेस अ टाइनी येलो ग्लो ऑफ लाइट। और वहाँ पर स्टैनले ने देखा कि एक येलो लाइट जो है छोटी सी, मतलब येलो प्रकाश भी निकल के बाहर आ रहा है। द क्रिकिंग केम अगेन एंड द ग्लो गॉट बिगर, अ ट्रैप डोर हैड ओपन इन द फ्लोर। जो एक ट्रैप डोर, मतलब जो एक छुपा हुआ दरवाज़ा जो है वो वहाँ से खुलता है। एंड टू मैन केम अप थ्रू इट इन टू द हॉल, और दो लोग वहाँ से अंदर आते हैं। स्टैनले अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑल एट वंस। स्टैनले को एक बार में ही सारी बातें समझ में आ गई। दे मस्ट बी द स्नेक थीव्स, शायद ये वही चोर थे जिन्होंने पहले भी पेंटिंग्स चुराई थी। दे हैड अ सीक्रेट ट्रैप डोर एंट्रेंस इन टू द म्यूजियम, दैट वॉज वाई दे हैड नेवर बीन कॉच्ड। इन्होंने एक छुपा हुआ दरवाज़ा म्यूज़ियम के बीच में ही बना करके रखा था, और वो भी ज़मीन में। इसीलिए शायद अभी तक ये चोर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, और ये पकड़े भी नहीं गए। एंड नाउ टू नाइट दे वर बैक टू स्टेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग इन द वर्ल्ड। और आज वापस यही चोर वापस आए हैं दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग को चुराने के लिए। He kept very still in his picture frame and listened to the snake thieves. वो चुपचाप स्टैनले अपनी फ्रेम में खड़ा रहा और ये बातें सुनता रहा कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। This is it, Max, said the first one. जो एक चोर होता है वो दूसरे चोर को बोलता है, Max, this is where we art rubber pull a sensational job whilst the civilized community sleeps. ये हमारा काम है, जब लोग सो जाते हैं तब हम चोरी करते हैं। Right, Luther, दूसरा बोलता है, सही है Luther, said the other man. In all this great city there is no one to suspect us. और इतने बड़े शहर में कोई नहीं है जो हमको सस्पेक्ट कर सके, हमारे इरादों के बारे में जान सके, हमको पकड़ सके। हा हा हा, ऐसे करके वो लाउडली दे लाफ, थॉट स्टैनले लैमचॉप। दैट्स वॉट यू थिंक, द स्नेक थीव्स पुट डाउन देयर लैंटन एंड टुक द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑफ द वॉल। वो अपनी लैंटन जो है, वो जो टॉर्च है उसको ज़मीन पे रखते हैं, और दीवार पे लगी हुई जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी पेंटिंग जो है उसको दीवार से उतारने की कोशिश करते हैं चोरी करने के लिए। वॉट वुड वी डू टू एनी वन वो ट्राइड टू कैप्चर अस, मैक्स, द फर्स्ट मैन आस्क। जो पहला मैन है वो दूसरे मैन को एक क्वेश्चन पूछता है, अगर हम क्या करें अगर कोई हमें पकड़ने की कोशिश करे तो। वी वुड लाइक किल हिम, व्हाट एल्स, हिज फ्रेंड रिप्लाइड। और दूसरा बंदा उसको जवाब देता है, हम उसको मार डालेंगे और क्या। दैट वॉज इनफ टू फ्रिटन स्टैनले, क्या ये इनफ था जिससे स्टैनले डर जाए। ही वॉज इवन मोर फ्रिटेनेंट व्हेन ल्यूथर केम ओवर एंड स्टार्टेड एट हिम। और वो और डरने लगा जब ल्यूथर
उसके पास आने लगा, स्टैंड ले के पास, और उसको भी वो पेंटिंग समझ के उसके पास आ रहा था इसलिए। दिस शिप गर्ल, ल्यूथर सेड, आई थॉट शिप गर्ल वेर सपोज टू स्माइल, मैक्स। ल्यूथर मैक्स को कहता है कि ये जो शिप गर्ल है वो स्माइल कर रही है। दिस वन लुक्स स्कैर्ड, और उसके स्माइल से ये कुछ डरावनी लग रही है। जस्ट इन द टाइम स्टैनले मैनेज टू गेट फार अवे लुक ऑन हिज आइस अगेन एंड टू स्माइल शॉर्ट ऑफ। यू आर क्रेजी, ल्यूथर मैक्स सेड। मैक्स ल्यूथर को कहता है तुम पागल हो। शी इज स्माइलिंग एंड व्हाट अ प्रीटी लिटिल थिंग शी इज टू। अरे ये तो पेंटिंग ही स्माइल कर रही है, तुम भी क्या ल्यूथर। दैट मेड स्टैनले फ्यूरियस। He waited until the sneak thieves had turned back to the world's most expensive painting, and then he shouted in the loudest, most terrified voice, "Police! Police! Mr. Dart! The thieves! The thieves are here!" और जैसे ही वो लोग टर्न हुए, वो world's most expensive painting को दीवार से उतार के चोरी करने के लिए, वैसे ही स्टेनलेज अपनी जित ताकत से चिल्ला सकता था, वो चिल्लाने लगा, पुलिस पुलिस मिस्टर डार्ट, ये जो चोर हैं वो यहाँ पर हैं। द स्निक थीव लुक्ड एट ईच अदर, और जो ये चोर हैं वो एक दूसरे को देखने लगे कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर ये चिल्ला कौन रहा है। मेक सेड द फर्स्ट वन वेरी क्वाइटली, आई थिंक आई हर्ड द शिप गर्ल येल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिप गर्ल है वो चिल्ला रही है, एक पेंटिंग चिल्ला रही है। आई थिंक आई डिड टू, सेड मैक्स इन द क्वेरी वॉइस। ओ बॉय, यलिंग पिक्चर। दूसरा भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग कैसे चिल्ला सकती है। वी बोथ नीड अ रेस्ट, हम दोनों को शायद शांति की और आराम की ज़रूरत है। यू विल गेट अ रेस्ट ऑल राइट, शाउटेड मिस्टर डार्ट, rushing in with a chief of police and lots of guard and policemen behind him. उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर डार्ट, पुलिस और बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं हाँ हाँ अब हम तुम्हें आराम करवाएंगे जेल में। You will get at a rest. That's what. हा हा हा, अब तुम अरेस्ट हो गए हो, पुलिस तुमने पकड़ लिया है। The thieves, the sneak thieves, were to mixed up by Mr. Dart's joke and to threaten it by the policeman to put up a fight. Before they knew it, they had been handcuffed and led away to jail. जब तक वो दोनों हावी हो जाते मिस्टर डार्ट पे, पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी ताकि वो किसी और लोगों के साथ मारपीट करके वहाँ से भाग नहीं जाए, और उन्हें वहाँ से ले जाया गया जेल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग इन द ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, स्टैनले लैमचॉप गॉट अ मेडल। दूसरे दिन सुबह जो पुलिस चीफ का जो ऑफिस था वहाँ पर स्टैनले लैमचॉप को उसकी बहादुरी के इस काम के लिए एक मेडल मिलता है। द डे आफ्टर दैट हिज पिक्चर वॉज इन द ऑल द न्यूज़पेपर्स, और उस दिन स्टैनले लैमचॉप का फ़ोटो हर एक न्यूज़पेपर में छपता है और स्टैनले लैमचॉप उस वक्त के लिए बहुत ही फेमस हो जाता है। फॉर अ वाइल स्टैनले लैमचॉप वॉज अ फेमस नेम, एवरीवेयर द स्टैनले वेंट पीपल स्टार्टेड एंड पॉइंटेड एट हिम। ही कुड हियर देम विस्पर ओवर देयर, हैरियट ओवर देयर, That must be Stanley Lamchop, the one who caught the sneak thieves, and things like that. सब लोग उसे देखकर पॉइंट आउट करके बोलते हैं अरे देखो ये Stanley Lamchop है, ये Stanley Lamchop जा रहा है जिसने चोरों को पकड़वाया। But after a few weeks, कुछ हफ्तों के बाद the whispering and starting stop. People had अनदर थिंग टू थिंक अबाउट। अब कुछ दिनों हफ्तों बाद लोगों को कुछ और
बात मिल गई थी, कुछ और चीज़ मिल गई थी बात करने के लिए। स्टैनले डिड नॉट माइंड, स्टैनले ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। बीइंग फेमस हैड बीन फन, बट इनफ वॉज इनफ। फेमस होना थोड़ी देर के लिए ठीक है, पर आप हमेशा वहाँ पे तो नहीं रह सकते हो। इसी तरह से इस पूरी स्टोरी में स्टैनले लैमचॉप ने अपनी बहादुरी भरे आइडिया से उन चोरों को पकड़वाया और पुलिस के हवाले करवाया। कभी कभी कुछ चीज़ें डरावनी होती है, पर हमें हर चीज़ का सामना बहादुरी से करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है और हमेशा सच्चाई के साथ लड़ना है। और इसी के साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।